सोलन कठेड़ बाईपास पर फोरलेन निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी नियमों की सरेआम उल्लंघना कर रही है। नियमानुसार निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर धूल मिट्टी न उड़े, इसके लिए लगातार कंपनी द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी किसी भी तरह का पानी का छिड़काव नहीं कर रही है और मिट्टी उड़कर आसपास के घरों में और दुकानों में घुस रही है, जिसके चलते जहाँ एक और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो वहीं दुकानों में रखा कीमती सामान भी धूल फांक रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वे सड़क से उड़ती धूल के कारण बेहद परेशान हो चुके हैं, कई तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करते हुए धूल प्रदूषण से निजात दिलाई जाए। मेरा नाम अंजना तनवर है। जब से फोर लेन का काम चला हुआ है तो कस्टमर भी बहुत कम आ रहे हैं और धूल मिट्टी से तो बहुत बुरा हाल है। ना तो यहाँ पे पानी डालते हैं ये लोग, और जब तो मतलब कच्चा है तो धूल मिट्टी से शाम तक बहुत हालत ख़राब हो जाती है। कस्टमर आने के लिए भी रास्ता ढंग से नहीं बनाया हुआ ऐसे ही तरीके से, और या तो इसको कंप्लीट कर दें या फिर तब वो ऐसे ही छोड़ दें। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखो धूल मिट्टी से तो बहुत बुरी हालत है। हम डस्टिंग दिन में 10 बार 100 बार करते होंगे, पर फिर भी वही हाल होता है कि धूल मिट्टी बीमारी का भी खतरा है और हर चीज़ का ही है। अब देखो आंखों में डस्ट ऐसे बैठ जाती है, रात तक तो ऐसे लगता है कि आंखें बिल्कुल ऐसे जलन हो जाती है। भी पानी डालना चाहिए 2-3 बार कम से कम दिन में यहाँ पे, लेकिन 1 बार डाल जाते हैं, वो भी कभी कभार, रूटीन में तो वो भी नहीं है कि रूटीन में डालें। कब से ये कार्य? तो कई महीने हो गए, अब आधा अधूरा छोड़ के चले गए हैं। पहले तो रूटीन में था चला हुआ काम कि चलो पूरा हो जाएगा, अब वो पता नहीं कहाँ चले गए वो काम छोड़ के यहाँ पे, अब आधा अधूरा काम छोड़ा है। तो जो पहले आपके ग्राहक थे क्या वो अब यहाँ पे आते हैं? कुछ तो कोरोना की वजह से काम कम हो गया है, कुछ वैसे फोर लेन की वजह से काम कम हो गया है। सर रोड फोर लेन का काम चल रहा है ये लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर कटिंग की थी, उसके बाद डंगा लगाया, उसके बाद इन्होंने फिलिंग की है, पर एक ही बहुत समय हो गया ये इस काम को उन्होंने रोका हुआ है, और यहाँ पर ये बहुत धीरे धीरे से काम चलाया उन्होंने, और जिसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और सांस लेने में परेशानी है। हम यहाँ पर दुकानदारी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं और कस्टमर यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत पॉल्यूशन है और एनवायरनमेंट सारा ख़राब हुआ है इसी वजह से। तो हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, इससे पिछले 1 साल से तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जब से काम रुका पड़ा है इनका, और लॉकडाउन की वजह से काम और ज़्यादा रुक गया इनका। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो नेशनल हाईवे वाले हैं जो ये रोज़ दिन में 1 बार तो कम से कम पानी डालें, जिससे कि ये धूल जो है वो बैठ जाए यहाँ पर और हम थोड़ा ईजिली काम कर पाएँ। और कस्टमर्स को बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो धूल मिट्टी की वजह से आना नहीं चाहते यहाँ पर।